एकदम हिम्मत के साथ, एकदम क्या बोलते हैं, स्वासन के सम्मान को ग्रहण करें। बोला बराबर। टीचरों ने और प्रिंसिपल ने और अभिभावकों ने बच्चों का साथ दिया, उन्हें प्रोत्साहित किया, उनको इंस्पिरेशन दिया और बच्चे इतना टैलेंटेड हैं, उनका हुनर, उनका टैलेंट यहाँ पर आया है। इसी से शिक्षा संपूर्ण होता है। जब तक उनके अंतर के क्षमता को हम नहीं उबारें, यू नो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ द्वारा शिक्षा का संपूर्णता प्राप्त नहीं होता है। वही शिक्षा को हम संपन्न शिक्षा और सफल शिक्षा कह सकते हैं। और हमें गर्व है कि मऊ में इस तरह के बच्चे हैं, इस तरह के अभिभावक हैं और इस तरह की जनता है जो जिसका जोश बड़ा मतलब ऊंचा है शिक्षा के प्रति। और तैयब साहब यहाँ पर हैं, ये इसका प्रमाण। नया शिक्षा नीति के, नया शिक्षा नीति को देखते हुए ये और बच्चों के लिए अवसर लाएगा और आईसीसी बोर्ड में क्या ओपनिंग्स लाएगा, सारे बोर्ड में, सारे पूरे देश में इस तरह का परिवर्तन आएगा। हमें उम्मीद है कि वो बच्चों को और क्रिएटिव दृष्टिकोण से, क्रिएटिव अप्रोच लेकर के शिक्षा प्राप्त करने के लिए सहायक सिद्ध होगा। तो अभी क्या इम्प्लीमेंट है यहाँ नया शिक्षा नीति? होना है अभी, बंद होना है। आज कार्यक्रम था क्या है? एनुअल डे वार्षिकोत्सव था। बच्चों ने बहुत जोश और खरोश से क्लासिकल प्रोग्राम किए और बहुत शानदार रहा। बच्चों में ख़ासतौर से जो भी उन्होंने पेश किया वो एक संदेश देने वाला था, चाहे वाईफाई पे हो, मोबाइल पे हो, किस तरह से वक्त बर्बाद होता है, किस तरह से समाज बिगड़ रहा है, और भी बहुत सी देशभक्ति की चीज़ें दिखाई गई, बहुत सी चीज़ें दिखाई गई। बच्चों ने वाकई बहुत जोश था, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, सराहनीय। स्टेज की सज्जा बहुत अच्छी थी और एंकरिंग भी बहुत शानदार थी। मैं बधाई देता हूँ प्रिंसिपल को, टीचर्स को और यहाँ के बच्चों को, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि एक शानदार प्रोग्राम और शानदार एक एजुकेशन का सेंटर है ये,
सब लोग लालायित रहते हैं कि हमारा बच्चा फातिमा स्कूल में पढ़े। मैं पूरे स्टाफ को और अभिभावक को